Hello friends, this is Sangam Bipuri. Welcome back to my channel YP. Friends, in this video, I'm going to talk about Doxy 100 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, video को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें, कोई भी दवा आप खुद से न लें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्सी 100 एमजी टैबलेट। फ्रेंड्स, यह टैबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड करती है, कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत शानदार तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ओमेगा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओमेगा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 8 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत लगभग 35 से लेकर 40 रुपए के आसपास होती है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे हम कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है जो कि एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। तो फ्रेंड्स, मैंने कई दफ़ा ये बात आपके सामने रखी होगी कि जितने भी एंटीबायोटिक है सबका एक अपना अपना पर्टिकुलर ग्रुप होता है। कोई फ्लोरोक्विनोल ग्रुप का होता है, कोई टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का होता है, कोई सबका अपना अपना ग्रुप है। मैंने बताया होगा आपको, ठीक है, कभी मैं बना दूंगा कि एंटीबायोटिक के कितने ग्रुप्स होते हैं, किसके अंदर क्या आता है। मैंने कुछ दिन पहले सिफेक्जिम पे बनाया होगा, सिफेक्जिम कौन सा ग्रुप का है एंटीबायोटिक है, ठीक है। चलिए अब मैं बात एक बार फिर से इसे रिपीट करना चाहूँगा कि यह जो मेडिसिन है डॉक्सीसाइक्लिन है, यह एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कि जबरदस्त इफेक्ट अपने आप में रखता है और जबरदस्त काम भी करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बारे में बात करें मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा ही होगा, 70S राइबोसोम, 50S राइबोसोम, 30S राइबोसोम, ये सब सुना होगा। लेकिन अगर मेडिकली टर्म में जाऊँ तो बहुत टफ है इसको समझाना, इसलिए सिंपली समझा रहा हूँ। ये 30S राइबोसोम, ठीक है, बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम और आपको 50S राइबोसोम दोनों पे जाके ये बाइंड हो जाता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा और उस क्या इस तरह से बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोड ऑफ एक्शन इसकी इजीली शानदार तरीके से समझ में आ गया। करता कुछ नहीं, बस ज़्यादा 30S और 50S राइबोसोम पे जाके चिपक जाता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है, बस बैक्टीरिया मर जाता है अपने आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन आपको समझ है। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी यूसेज कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिकली सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो एक्ने और पिंपल्स, अगर चेहरे पर किस तरह पिंपल्स हो गए, एक्ने हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया था। डॉक्सीसाइक्लिन बहुत शानदार इसका रिजल्ट करता है। डॉक्सीसाइक्लिन का अगर ब्रांड में जैसे मैंने डॉक्सी बताया, उसके जगह मिनी साइक्लिन भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन वही सेम कंपोजिशन सेम होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है। तो पहले कहते हैं एक्ने पिंपल्स, अगर चेहरे पे किसी प्रकार एक्ने हो, पिंपल्स हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर द्वारा। फिर सेकेंड बात है यूटीआई, अगर कोई व्यक्ति यूटीआई इन्फेक्शन से, ठीक है, इन्फेक्टेड है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD जिसको बोलते हैं, कि अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जैसे क्या क्या हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, गोनोरिया हो सकते हैं, STD हो सकते हैं, अगर इससे कोई इन्फेक्टेड है तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए आइए कुछ और एडवांस यूज इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं बढ़िया से। फ्रेंड्स, इसके एक एडवांस यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं RTI इन्फेक्शन का, RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी प्रकार का होता है तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर द्वारा इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके यूसेज समझ में आ गए हैं। एक्ने पिंपल्स के लिए किया जाता है, फिर आपको UTI के लिए किया जाता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए भी किया जाता है, वो सिफिलिस हो सकता है या तो आपको वो गोनोरिया हो सकते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और मैंने एडवांस लेवल में बताया हुआ है RTI को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको इजीली शानदार तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। हर मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं जानेंगे तो किस पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करना है वो खतरनाक साबित हो सकता है अगर नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंड कैल्शियम, याद रखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटासिड, रिफैम्पिसिन और फिनोट्राइड, इन 5 चीज़ों के साथ आपको नहीं देना, क्योंकि पेशेंट इस 5 चीज़ का सेवा कर रहा है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है, फिर एंटासिड, ठीक है, फिर कहते हैं रिफैम्पिसिन जो कि TB का दवा होता है, ठीक है, रिफैम्पिसिन, एथाम्ब्यूटोल, ठीक है, ये सब, इससे अगर
इन चीज़ों से कोई पेशेंट है अगर एडमिनिस्टर कर रखा है या पहले से ले रहा है तो आप इनको साथ ना दें क्योंकि इनकी बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देता है। तो बस इतने पांच कंट्रा इंडिकेशन को याद रखें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटासिड, रिफाम्पिसिन और एक मैंने बताया फिनेटवाइन। फिनेटवाइन होता है जो एपिलेप्सी के लिए झटके मिर्गी के झटके आते तब दिया जाता है। इन पांचों चीज़ के साथ आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्रा इंडिकेशन भी आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। आप चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स बेसिकली ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं, तो दो तीन ही साइड इफेक्ट्स। पहला जेडीनेस कि आपको चक्कर आ सकते हैं, फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। फिर उसके बारे में बात करते हैं रेड रैसेस ऑन स्किन या बॉडी कि आपके जो बॉडी होंगे उसके रेड रैसेस चकत्ते चकत्ते रेड रैसेस बन जाएंगे स्किन पे बॉडी पे। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी अगर साइड इफेक्ट्स दिखे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं डोज के बारे में। जनरली डोज में मैं कितना वेट वाई कितना दिया है तो वो समझ, जनरली आप समझो कि ये 1:OD का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है ज़्यादातर एडल्ट पेशेंट में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ। तो फ्रेंड्स जो भी कुछ मैंने बताया इस वीडियो में डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया, कहाँ इसका यूज करते हैं, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ये सारी चीज़ों आपको आसानी से इजिली से समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।